नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर यकायक ही एक खबर फ्लोट होना शुरू हो गई। खबर थी अपनी पार्टी में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता जीएम सरूरी सहित कुछ अन्य कांग्रेस के एमएलए एमएलसी के ज्वाइन होने की, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रही थी। उस खबर में यही लिखा जा रहा था कि अगले सप्ताह जो जीएम सरूरी हैं वो कुछ कांग्रेसी नेताओं के साथ अपनी पार्टी को अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में ज्वाइन करने जा रहे हैं। जैसे ही खबर फ्लोट हुई, चर्चा का बाजार गर्म हो गया। पूरे प्रदेश में एक अलग सा माहौल बन गया। लगातार अगर आप बात करें तो अपनी पार्टी को भी इससे लेकर कॉल किए जाने लगे और जीएम सरूरी को भी लगातार कॉल किए जाने लगे। अभी कुछ ही देर पहले जीएम सरूरी की तरफ से इस खबर का खंडन किया गया है। उन्होंने अपने जो फेसबुक पेज है उस पर लिखा है कि ये एक निराधार खबर है जो कि जानबूझकर उनके खिलाफ चलाई जा रही है। इसी खबरों को जो है ऐसी खबरों को हाइप नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और आलाकमान से बात कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने कहा, ये दर्शाने का प्रयास किया है कि वो अभी दिल्ली में मौजूद हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि उनकी तरफ से पूरी तरह से खंडन किया गया इस खबर का, जो कि लगातार सुबह से ही एक सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार ये खबर फ्लोट हो रही थी। आपको बता दें कि कांग्रेस में इस समय एक अलग सी उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। अगर बात करें तो जी एमिर के इस्तीफे के बाद से ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो खींचतान है वो पार्टी में काफ़ी जो खिंची जा रही है। एक तरफ अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वकार रसूल, उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए सामने आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं दबी जुबान में जीएम सरूरी खेमे ने इसका विरोध किया, जिसके चलते प्रदेश अध्यक्ष का नाम अभी तक उसकी घोषणा नहीं हो पाई है। जम्मू कश्मीर से प्रदेश कांग्रेस के चाहे वरिष्ठ नेता हों, जम्मू से बात हो या कश्मीर घाटी से बात हो, उनको दिल्ली आलाकमान ने बुलाया है और आज जम्मू के नेताओं के साथ दिल्ली में आलाकमान की बैठक हुई है। जबकि कल कश्मीर के नेताओं के साथ दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की बैठक होगी, उसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा कि कौन अगला प्रदेश अध्यक्ष जो है जम्मू कश्मीर कांग्रेस का होगा। लेकिन इसी बीच आज जिस प्रकार से ये खबर फ्लोट होना शुरू होगी, कहीं ना कहीं ये खबर दिल्ली तक पहुँची और जीएम सरूरी को सामने आकर अपने फेसबुक आधिकारिक फेसबुक पेज है जो, उस पर अपनी तस्वीर के साथ उन्होंने डालकर इसको शेयर किया और बताया है कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ये बिल्कुल निराधार खबर है, जानबूझकर उनके खिलाफ एक साजिश के तहत इस खबर को चलाया गया है और ये बेसलेस खबर है। अभी जो है वो दिल्ली में मौजूद हैं, कांग्रेस के सभी आला नेता भी दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने लोगों से ये भी कहा है कि ऐसी खबरों को हाइप ना दी जाए। तो कहीं ना कहीं आज पूरे दिन में जो खबर एक हाइप बनी हुई थी, जीएम सरूरी ने स्वयं सामने आकर उस पर विराम लगा दिया है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को इसी खबर के साथ दे इजाजत। आप देखते रहे जेके अपडेट। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें करियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है करियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। JK अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।